बेनी, आज ससुर मौसम बड़ू मस्तानू है। हाँ यार चुंगलाल, इतनी सर्दी जो है ना बहुत सालों बाद पड़ी है गुरु। इसी बेईमान मौसम पे ये देखा क्या लाया, ममताज की टिकट है का? आयजू टिकट टू हेवन, मतलब स्वर्ग की टिकट है ये। वो दादा पकड़, हमें अपने नोनो टैया पालने, अबे स्वर्ग की टिकट मत दी तू जा। अरे यार तुम समझे नहीं चुंगलाल, स्वर्ग की टिकट मतलब ये जो है डांस प्रोग्राम है किट्टू कमसिन का, उसकी टिकट है। एक सेकंड एक सेकंड, मैं दुबई वाली किट्टू कमसिन की बात कर रहा हूँ? कानपुर आ गई गवा। यार सुन, कानपुर की तो भाग खुल गए। अरे गुरु भाग तो समझ लो हमारे खुल गए। कैसे कैसे? अरे मस्त है, टिकट है अपने पास, है फ्री की टिकट है, जाएंगे बढ़िया से देखेंगे गाना डांस वंस हैं, और पूरा एंजॉय करके अच्छी तरह से वापस आएंगे, मजा आ जाएगा यार। दोनों भाई जाएंगे हैं और ये देखेंगे, मतलब अद्भुत डांस गाना है, और मतलब आनंद ही आनंद, परमानंद परम सुख। अच्छा हमें जो बता जी, आनंद की टिकट मिली कहाँ से? बोलो, हमारे एक क्लाइंट दिए युगांडा वाले। यार तेरी क्लाइंट बड़े रंगीन मिजाज है, और तू ऊपर से ज्यादा सतरंगी है। हमें ऐसा लग रहा है तू जो वकालत के केस लड़तू है ना, हमें फीस कम और ऐसी हसीनाओं की नाच गाने की टिकट ज्यादा लिए तू है, अलग टाइप को वकील है। अच्छा गुरु तुम आम खाओ ना, है मतलब गुठलियों के ऊपर GST कहाँ लगाते फिरते हो तुम? भैया हमें नहीं जाने, रज्जू को जानते हो ना, हाल का है, एक नंबर की शक्कर है, रहने दे, हमें अपनी गृहस्थी में खोजें। अबे कैसी बात कर रहे हो यार तुम, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो, हम कौन से कह रहे हैं कि मतलब बीवी बच्चों को छोड़ के जो किट्टू कमसिन के साथ जाके चक्कर लड़ाओ, प्रेम संबंध स्थापित करो, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं। तू मौत के कुआं में छलांग लगाने वाली बात कर रहा हूँ, और बाद में सोच रहा हूँ जिंदा वापस लौट आएंगे, रज्जू को पता चल गो तो। अच्छा ऐसा, एक सेकंड चुमुला ले, घटिया है। ना सुनो एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े कांड करते हो, झूठ बोलते हो, सब तो एकदम हजम कर जाते हो, डकार तक नहीं मारते हो, ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक झूठ है, अब बता इसके चखने के साथ दबा दो उसको, और का नन्नू तो झूठ है। हाँ मुंह खोलो, सुनो रज्जू ठहरी एक नंबर की शक्कन औरत, हम चाहे जितने 30 मार खा बन जाए, वह एक झटका में एक मिनट में हमारा झूठ पकड़ लेगी, बाद में हमें पकड़ लेगी, और पकड़ के हमारी गुर्दा छीन लेगी, हमारी गृहस्थी चौपट न करो दादा। तुम गुरु क्या है ना, तुम मर्द नहीं हो, है डरपोक हो। हमारे नौनो ठैया हो गए, मर्द नहीं है। हाँ अब से नहीं हो, मतलब अब उसके बाद से नहीं रहा दम, तुम बड़ी पौरुष नहीं है तुम्हारे अंदर। मतलब यार प्रोग्राम में बोल रहा हूँ 50 बार कि आर्टिस्ट आदमी आर्ट फॉर्म देखने जाएंगे, ललित कला है, है वहाँ हमको देखो, हम बिंदास जाएंगे, हमको कोई डर नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो है पाप नहीं है, चोर नहीं, ग्लिच नहीं है, गिल्ट नहीं है, ठीक है ना, जाएंगे बिंदास देखेंगे, वाह मतलब शाबाशी देंगे, और क्या प्रशंसक हैं हम उनके, चलेगा और क्या यार, चलो। क्या रज्जो, जब देखो जब रसोई में भिड़ी हुई रहती है, बाहर की दुनिया भी देख कितनी अच्छी है, कभी लौकी काटेगी कभी टिंडे काटेगी। अरे दुनिया तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम नए आंख घुमाए के देखो ना, जब घर में पूरे को पूरा गांव बसतो है, और जब तक सबको पेट भर ना जाए ना, तब तक जो हम चौका की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते। मैं तो मुश्किल से ही रसोई में जाती हूँ, फिर भी हमारा गुजारा चलता है। तुम्हारा गुजारा हो जाए, तुमने बहनी से पूछो है बापे कहाँ गुजर रही है? बताओ बाने कहा सोची थी कि ब्याह करिए, एक सुंदर सी बीबी आई है, सुंदर तो तुम हो, लेकिन कछु ने काम में सुंदरता लेके आओ ना, गरम गरम रोटी खबाओ, तुम्हें को रोटी खवाए रहो है वो। छोड़ ना रज्जो, एक काम करते हैं, कल ना तुझे खाना बनाने की टेंशन ना बेनी को, कल शाम को हम बाहर खाना खाने चलते हैं, क्या बोलती है? कल शाम कछु स्पेशल है का? स्पेशल तो है का? कल ही के दिन बेनी हमारे घर के बाहर भेष बदल कर मेरे दर्शन करने आया था। क्या बात है, तो हमारी देवी ने दर्शन दौवा तो कि ना दौवा तो? मुझे क्या पता था बेनी है वो, मोहल्ले के 10-12 लोंडे उसके पीछे छोड़ दिए, दौड़ा दौड़ा के मारा। फिर तो कल शोक सभा मनान को दिन है, तुम कई पार्टी कर रही हो? रज्जू उसी दिन तो मुझे पता चला कि बेनी मेरे ऊपर कितना लट्टू है। चल ना खाना खाने चलते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। अरे अच्छे होटल को बिल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है।
हम लोग रोज रोज कहाँ जाते खाना खाने? सोच, न तुझे किचन में घुसने की मेहनत, न खाना बनाने की मेहनत, तेरे मन पसंद खाना तेरे सामने हाजिर होगा। तुम्हें तो रोज मिला था, तुम्हें क्या टेंशन है? मैं तेरे लिए बोल रही हूँ। क्या सोच रही है? चलना चलते हैं। हम जो सोच रहे हैं कि मन तो हमाओ भी है लेकिन। हाँ तो पूछ लेना जीजू से, फिर चलते। और बेनी? बेनी की तो लॉटरी लग गई ना, एक टाइम का खाना बनाने से बच गया वो। चलो ठीक है, हम बात करते हैं। जय हिंद सर। सर आप यहाँ इस वक्त? क्या यहाँ आने के लिए मुझे मुहूर्त देखना पड़ेगा? नहीं सर, मेरा मतलब है कि आपकी ड्यूटी तो कहीं और लगती है ना इस वक्त। कहाँ लगती है सर? अगर मैं बताऊंगा तो आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे सर। मनोहर अब तो मुझे जानना ही है कि मेरी ड्यूटी कहाँ लगती है। सर बुरा मत मानना लेकिन मैंने अक्सर आपको जमुना बाई की गलियों में भटकते हुए देखा है। मनोहर अपने काम से काम रखो। अच्छा ये बताओ, अगर तुम घर जा रहे हो तो आज नाइट ड्यूटी में कौन है? हवलदार सखाराम आ जाएगा ना सर। सखाराम? पिछले 4 दिनों से तो वही ड्यूटी कर रहा है, आज फिर उसकी बारी? हाँ सर, वो रजिस्टर दिखाओ। रजिस्टर दिखाओ मनोहर। रजिस्टर सर? रजिस्टर? तुम्हारे कान में क्या रोई भरी है, एक बार में सुनाई नहीं देता है? रजिस्टर दिखाओ। यस सर। ये देखिए सर, इसमें तो हप्पू का नाम लिखा है। अच्छा, हप्पू सर का नाम लिखा है? अच्छा, तुम्हें पता नहीं था हप्पू सिंह का नाम लिखा है? सिर्फ नाम क्यों, वो खुद कहाँ है नाइट ड्यूटी पर इस वक्त? उसे यहाँ होना चाहिए। हाँ सर, लेकिन वो घर चले गए। घर चला गया ड्यूटी के वक्त? नाइट ड्यूटी के वक्त वो घर चला गया? लगता है हप्पू का इलाज करना पड़ेगा। सुनो, मैं कल हप्पू की क्लास लूंगा। यस सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर, वो घटिया आदमी है ही इसी लायक। लेकिन अगर तुमने हप्पू सिंह को ये बात बताने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा ऐसी जगह पर ट्रांसफर करवाऊंगा जिसका तुमने नाम तक नहीं सुना होगा। वाह, मतलब सर क्या आप मुझे मालदीव्स भेज रहे हैं? इट्स अ नाइस डेस्टिनेशन सर, आई लव यू। शाहजहांपुर कैसा रहेगा? आए गए तुम? हाँ हाँ। बहुत थके लग रहे हो क्या? थकते थोड़ी है, तुम्हें तुम्हारे दिमाग में तो जो चलती है कि दरोगा जी तो मनोहर से मतलब थाने में मुजरा कराते हैं, फाइलें जे केस ये तो मतलब पड़ोस को भूत देख जाते हुए ना थाने में मुजरा देखते हैं ना मनोहर को। अरे हम ये सब थोड़ी कह रहे थे, हमें पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, चोर चक्कन के पीछे ऐसे भागत रहा तो थक तो जाइयो ही ना। ना ना तुम समझो हमारी बात, चोर पुलिस खेल कैसे पूरा समझो, चोर चक्का जितने हैं भी जब चोरी करती हैं भागती थोड़ी है, आराम से पूरी चोरी कर ली जेबन में पैसा डाले और आराम से टहलती हैं ऐसी ऐसी काई से, उन्हें पता है कि कानून के हाथ लंबे हैं, जैसी भगे हमने लड़ जैसे पकड़ लो, थकती थोड़ी है। काई तुम चिढ़ रहे हो, इतने प्रेम से तुमसे बात कर रही है। असल में दिक्कत तो यही है कि तुम प्रेम से बातें करती, प्रेम ना करती। बस तुम्हें हर वक्त यही प्रेम प्रेम पड़ी रहता है ना। अपने ही घर में चोरों की तरह क्या बात है? नहीं, नहीं अपने घर में। अरे तुम क्या है कि अपने घर में तो मैं रोज वैसे ही नॉर्मली आता हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मतलब क्यों ना चोर बन के घुसूं, मतलब देखता हूं कि तुम घर परिवार के लिए कितनी अलर्ट हो, कितनी मुस्तैद हो। अच्छा, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मैं उसके घोड़े खोल देती। वैसे तुम्हारी मनपसंद चाय बनाई है मैंने। क्या बात कर रही हो तुम,
और मेरे लिए चाय बना के लिए सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं। क्यों, मैं चाय बनाने के लायक भी नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं मतलब लायक तो तुम खाना बनाने के भी हो, लेकिन बनाती नहीं हो ना। बनाऊंगी एक दिन, ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि मेरे हाथ का खाना खा के ना तुम मर जाओगे, मतलब खुशी के मारे। नहीं नहीं, इंसान को ना इतना भी खुश होने का हक नहीं है जीवन में। चाय कैसी है? अरे ये चाय तो ऐसी बनी है, मतलब अगर इसको तुम मॉडर्न कॉलोनी के लोगों को पिलाओगे ना तो वो खुशी से ना सही मतलब सदमे से जरूर मर जाएंगे। जोकिंग है जानेमन, जब जोकिंग कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी, हुआ मजा आ गया। वैसे ये सेवा किस खुशी में की जा रही है मोहतरमा? खुशी तो है, तभी मैं सोचूं मेरी बाइया क्यों फड़क रही है। हम जो कह रहे हैं कि ना कल को ना प्रोग्राम बना ले, खान पियन चले हैं बाहर, बहुत टाइम होएगा वो है गए नहीं। यहाँ तुमने आज तक कछु कही या सुबह हमने ना मानी, चलेंगे पक्का? अरे दादा कल तो हमें किट्टू कमसन के प्रोग्राम में जाने का करें। कल? हाँ कल। ना ना कल नहीं, कल तो ना एक दूसरी जगह जाने हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तो हाँ बोला तुमने और अभी एकदम से पलट गए। पलटा नहीं हाँ बोला था, मैं बोला था, लेकिन क्या है कि कल बोल लो कुछ बोल लो। आ रहा है आ गया वो। हाँ कल क्या लॉजिक है इसके पीछे, कल क्या है ना कि अपना जो मेरा एक दोस्त है जय किशन बाइक रेसिंग में उसका एक्सीडेंट हो गया बुरी तरह से, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। दिक्कत हो गई यार, बाइक से जा रहा हो तू? हाँ। अरे पूछो ना लज्जू ऐसो, एक तो बाकी दिक्कत पता का है, 100 और 120 से कम नहीं चला तू बाइक, सामने आ गो ट्रैक्टर की ठेलिया, ऐसी टक्कर भाई घुटना उखड़ के दो कटोरियां हाथ में आ गई। भगवान बाकी आत्मा को शांति दे। भगवान लगाए को जी, दो दो कटोरियां जो घुटना की उखड़ गई उनको तेल निकल गो, वो तो डॉक्टर ही लगाओगे ना, अस्पताल में भर्ती है और हमें जाने होते अर्जेंट है। बाकी परिवार वाले ना है का? परिवार में है, है। इकलौती बीबी है, एक ही छैया बीबी है बस, सबकी एक ही होती है, है? नहीं बीबी अरे तो बीबी है लेकिन मायके जा रही है अर्जेंट में, तो हमें ही को जाने पड़ेगा ना अस्पताल, को नहीं है और बाको। कैसी सिर रही बीबी है, मायके जा रही है, बाको पति अस्पताल में एडमिट है, वो जा रही है छोड़ के बाको? जा रही है जा रही है। अरे यार देखो सीधी सी बात है, हर आदमी की किस्मत रज्जू हमारे जैसी ना होती, जैसी देवी जैसी बीबी हमें मिली है, हमारी अगर कटोरियां उखड़ जाए हमारी रज्जू अपनी कटोरियां फिट कर दी। लेकिन नहीं ऐसे हुए ना, हम बता रहे हर औरत तुम्हारे जैसी औरत नहीं है, बताओ बाकी कटोरियां उखड़ गई बजा रही माए की, तुम्हारी बात अलग है, अपने से तुलना ना करो, सिचुएशन ऐसी है हमें जाने पड़ेगा वहां। और जाम में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, यही से तो हमने जब बात बनाई का है? नहीं हमने जब बात तुम्हें यही से बताई, कहा से हमें पूर्व विश्वास है कि हमारी रज्जू ऐसी दुख तकलीफें जरूर समझेगी, और तुम समझ रही। ठीक है अब हम लोग परसों चले जाएंगे। हाँ परसों चलेंगे, लेकिन एक सेकंड, फिर कोई बहाना नहीं, परसों पक्का चलना, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है ठीक है। हे भगवान मैं इतनी सुंदर क्यों? माय गॉड ऑल माय पिक्चर्स आर कमिंग सो प्रिटी। हेलो कैट, हाउ आर यू, क्या चल रहा है? राहुल यू लीविंग मी मीनिंग मी इज वेरी मच अपसेटिंग ऑन यू दैट वंस यू लीविंग एंड क्रॉसिंग दिस सेवन सीज यू टू फॉरगेटिंग ऑल योर फ्रेंड्स। अरे वो मैं लंदन में थोड़ा बिजी हो गया था, आज इंडिया लौटा। वाओ कैट, मैं हमेशा तुम्हें याद करता था। राहुल यू नो व्हाट, मी आल्सो ऑलवेज रिमेंबरिंग यू एंड स्प्रेडिंग ऑल माय लेसेस इन फ्रंट साइड ऑफ योर रोड। क्या बोली? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं भी तुम्हारी याद में ना अपनी पल की पिछाई रहती थी। मीनिंग एनीवे यू टेलिंग मी वन थिंग दैट यू कमिंग टू कानपुर। हां हां मैं कानपुर आऊं और तुमसे मिले बिना और बिरजू की कुल्फी खाए बिना कैसे जाऊं? माय गॉड मीनिंग राहुल यू रिमेंबरिंग बिरजू कुल्फी? अरे आई रिमेंबर एवरीथिंग कैट, अगर कल तुम फ्री हो तो मेरे साथ कुल्फी खाने चलोगी? टुमारो एक्चुअली मी इज वेरी मच
free. Meaning, me is not at all free, but me giving you time. So, we going outside. We eating with Jigulfi, okay? Cool then. मैं कल तुम्हें पिक करने आता हूँ. Bye, cat. Me is very much sleepy. You please going, na? No, cat. What dog me telling you? You are sleeping. Run away from your bed, say, and from your say. What? Really? What talking you saying? Actually, tomorrow you and me going eating Birju ki kulfi. Kamlesh, tomorrow. Actually, tomorrow me cannot going anywhere. You know, no Birju kulfi. Kamlesh, you're giving me my promise. You're promising me that tomorrow. You not coming home and not seeing me because me will be taking rest, me dieting now, me is very much thaka hua hara to getting more slim, you know. So you not coming tomorrow and also you leaving right now. Please, huh? Bye, Kamlesh. Kamlesh, remembering promise. अरे दादी, आपको पता है आज शाम को हम बाहर जाने वाले हैं. मम्मी बता रही थी. का बात कर रहा हूँ है होटल कैसे आएगो? उतर सब मिल तो है ना. माय डियर ग्रैंडमदर, यू आर नॉट टेकिंग एनी वेरी टेंशन. इन दैट होटल फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग इज फिक्स्ड. ना क्वीन विक्टोरिया, अब जरा हिंदी में भी बोल दे ताकि हमारी समझ में आ जाए. मैं कह रही हूँ मेरी प्यारी दादी, आप ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि वहाँ खाने और पीने का पूरा इंतजाम है. फिर तो ठीक है वो. बड़ो मजो आएगो. वैसे भी रोज रोज बहू के हाथ को खाना खा के ना कुछ बोर से है गए. क्या दादी, क्या मैं मम्मी को बताऊँ कि आप उन्हीं के हाथ का खाना खा के आके उन्हीं के पीछे बुराई कर रहे हो? ना सकूं थे, हमारी चुगली करेगा तू है. अरे दादी बा, मैं कौन सी रॉकेट साइंस है, बस मुंह खोलो और चुगली कर दी. वैसे भी ये तो पता है आजकल 50 रुपए में ही बिक रहा हुआ है. अरे दादी, इन दोनों को छोड़ो, ये तो है ही एक थाली के चट्टे बट्टे. आप ना खाने में फोकस करो. हाँ, मैं क्या सोच रही थी कि हम खाना खाने के बाद ना आइसक्रीम खाने चलेंगे, बड़ा मजा आएगा. सही. नहीं आइसक्रीम नहीं, गुलाब जामुन मजा आएगा. नहीं, हमेशा तेरी नहीं चलेगी, हम आइसक्रीम खाएंगे. नहीं गुलाब जामुन खाएंगे. आइसक्रीम मिलिए ना गुलाब जामुन, कछु नहीं खाइयो. नहीं काहे बहू ऐसे काहे बोल रही है ना, आइसक्रीम और गुलाब जामुन के पैसे बचा के का जकर कट्टी में प्लाट खरीदेगी? अम्मा तो हमारे पीछे कहीं पड़ जाती हूँ. लाल से पूछो अपने. हपुआ कहा बोल रही है कीजे? अम्मा तनक का है कि जो प्रोग्राम बनो तो ना डिनर को वहाँ में थोड़ी सो चेंज है. असल में का है एक ठैया इमरजेंसी आ गई. नहीं का है आ गो? हमारा दोस्त एक ठैया जय किशन बा को अचानक बाइक से एक्सीडेंट हो गयो. ऐसो एक्सीडेंट बा अम्मा पूछो ना, मतलब घटना की दो कटोरियां बाहर आ गई. अब्बा को कहे कि तनक हमें अस्पताल जाके डिस्चार्ज करवाने हैं. हाय हाय, ये तो बहुत बुरो होगा, सुन के बड़ो बुरो लगो. अपो एक बात समझ आ रही कि तू कहीं डिस्चार्ज कराएगा, बाकी लुगाई ना करा सकती. अरे अम्मा बाकी बीबी मायके जा रही है. एक आदमी को एक्सीडेंट हुआ तो मैं अपने सदगुण की पड़ी है. तुम ना जी बकेड़ा ना घुसाओ करो अपने बीच में. ना, हमें जो बात समझ ना रही कि जो कैसी लुगाई आएगी ना, हम बा को सबक सिखाएंगे. फोन लगा तो, बा एक सेकंड फोन का. अरे अम्मा तुम फोन गए, खुद की बहू है का? दूसरे की बहू है, दूसरे की घर की बात है, दूसरों जाने ज्यादा का है. अम्मा घुसना चाहिए दूसरों आदमी अगर कछु मान लो ऊंच नीच ये कछु बातें सुना दे फिर हमें बुरो लग जाएगा, हमें दिक्कत होगी. तुम ठहर जाओ घर में रहो. बिल्कुल सही कह रहे हैं अम्मा, सब हमारे तो इतने सीधे ना है ना कि तुम्हारे ताना सुन लें. ना कैसे ना सुने, बा को हमारी जैसी सास ना मिली, हम उसे यूं जूं लाइन पे ला गए, हम सुना सुना के बाकी नींबू निचोड़ देंगे. जी अच्छे से जानते हैं. कर लियो महाभारत चौंच युद्ध सारे आंगन में कर लियो. तुम और बहस बहुत जल्दी करती हो. एक आदमी की घुटना की कटोरियां निकल गई, कटोरियां. अरे पापा ये क्या बात है? हम कह रहे हैं हमेशा आप ऐसा ही करते हो,
अरे यहाँ पे फिक्स हो गया है, हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि आइसक्रीम कौन खाएगा, गुलाब जामुन कौन खाएगा, और अब बीच में आके अब ये सैड न्यूज दे रहे हो। हाँ पापा ये गलत बात है, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया था। अरे आपने नाक कटा के रख दी। फादर यू नो व्हाट, यू आर थ्रोइंग बिग बिग पॉट वाटर ऑन आवर प्लान, मी इज नॉट प्लेइंग। क्या कह रही? मैं कह रही हूँ अपने सारे के सारे प्लान में पानी फेर के, मैं नहीं खेल रही हूँ। पानी फेर जाए तो दोस्ती को फर्ज कछु नहीं है। मतलब पापा तेरे जो हैं बन के खास दोस्त हैं यार। हमारे खास दोस्त अस्पताल में पड़ो है और तुम्हारा उनको अपनी पड़ी आइसक्रीम जो गुइया लहसुन, मतलब दोस्ती को फर्ज भूल जाए, मुंह मोड़ लें। तो बेटा पापा तुम्हें बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कैसे करो? सुनो हमारे हीरा, आज एडजस्ट कर लियो, कल चलेंगे ऐसे ही सेम टाइम डिनर पे चलेंगे। अम्मा तुम बताओ आज खाओ चाहे कल खाओ, गाजर को हलवा को स्वाद वैसे ही वैसे, कल चलेंगे। आपका हमेशा का है, और अब हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। मुझे भी नहीं जाना। एक हफ्ते तक ना जी कद्दू जैसी शक्ल मत दिखनी हो। अच्छा अच्छा, ना दुखी कर दिया तूने बच्चों को। अच्छा बाप को सारे बंदर जैसे बोल रहे, बाप को कछु नहीं हरकतें तो बंदर वाली कर रहा हूँ। बंदर